एक्टिस पलिसर अधीन नदी पथेरे देश विदेशर तथा उत्तर पूर्वांचल संजोग करार परिकल्पना केन्द्रीय जहाज बंदर जलपथ मंत्री सर्बानंद सोनोवाल विभाग दायित्व ग्रहण करिए यह दिशत काम काज आरम्भ करिछे केन्द्रीय मंत्रीगढ़ देश विदेशरे नदीपथ संजोग तथा उत्तर पूबर अर्थनैतिक बुनियाद सुदृढ़ कर लक्ष्य सोनोवाल शुक्रबारे कलकतार हालदिया पारघाट कमप्लेक्स परदर्शन केन्द्रीय मंत्रीगढ़ पारघाटर आंतगाथनिक उन्नयन उद्देश्य शुभारम्भ कर एकाधिक आँचन आई डब्ल्यू ए आईर टर्मिनेलो परदर्शन करे सोनोवाले श्यामाप्रसाद मुखार्जी बंदर एक मेगावाट क्षमता सम्पन्न सौर शक्ति प्रकल्प उद्बोधन हालदिया पारघाट कमप्लेक्स सम्प्रसारण केन्द्रीय सरकार व्यय चार कोटि तेईस लाख टका जलपथर जरिए उत्तर पूर्वांचल देश विदेशरे संजोग सुलभ तथा सुचल यातायात व्यवस्था गढ़ी तुम्हें तत्पर से केन्द्रीय मंत्रीगढ़ एने व्यवस्था शक्तिशाली कर देशर उत्तर पूर्वांचल व्यवसाय वाणिज्य भेटी उपकृत हम उत्तर पूर्वांचल राज्य समूह जे आम अर्थनैतिक बुनियाद गढ़ दियार क्षेत्र आमदानी और रप्तानी एक बंदरे कि गुरुत्वपूर्ण भूमिका पालन करे गति के वाटारवेज तो आगंतक दिन आम भविष्य गढ़ दियार उत्तर पूर्वांचल भविष्य शक्तिशाली गढ़ दियार आम शक्तिशाली रूप इक सठिक रूप गढ़ दीब लगे ब्रह्मपुत्र दु नौ राष्ट्रीय नदीपथ और बरकर षोलो नौ राष्ट्रीय नदीपथ उन्नीतकरण परिकल्पना केन्द्रीय मंत्रीगढ़ एक क्षेत्र जटिलता आतरवार चलिसे नदी अध्ययन काम नदीपथ विशेषक नेशनल वाटरवेज टू ब्रह्मपुत्र नेशनल वाटरवेज वन गंगा और दुख नदी आई पे बंगो भगत और नेशनल वाटरवेज सिक्सटीन बरक बरकन आंगलदेश कूसियार नाम लै पे बंगो भगत किसान ठाईत नदी गभरता नारण आम मालबाह जहाज चलाचल कर सम्भव नए कारण न्यूनतम 2.5 मीटर लगे और 2.5 मीटर जो गभरता थके नदी तैयार 2000 मेट्रिक टन आम कार्गो भेसेल आम अहा कर सम्भव को तुल पार गति के ब्रह्मपुत्र शदियार धुबुरीक और बरकर ये गोटे दीघल गोटे नदी पथचुआत कत कत के जटिलता आए यह कथब इतिम्य अध्ययन आरम्भ से हालदियाते पोर्ट कमांड सेंटर और माई पोर्ट शीर्षक एट एपो मुक्ति केन्द्रीय मंत्री सरबानंद सोनोवाले माई पोर्ट एपर जरिए उपकृत हम सामग्री परिवहनर जड़ित लोक जानव जहाज और आमदानी रप्तानीकृत सामग्री अवस्थान आज जो मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाले हैं उसको माई पोर्ट ऐप हमने कहा है। आज जो भी हमारा यूज़र है उसको अगर जानना है कि भाई उसका सामान आ गया क्या, उसका जहाज़ आ गया क्या, जहाज़ कितने बजे लगने वाला है, जहाज़ में काम कितने बजे शुरू हो रहा है, उसने जो पेमेंट दिया वो पेमेंट हमारे पास आ गया, उनका जो रिफ़ंड है वो चला गया, कितने बजे फिर जहाज़ वापस जाएगा, काम कितने बजे शुरू हुआ, कितना कार्गो उतर गया, तो एक तरह से जो भी यूज़र की इन्फॉर्मेशन है वो पूरी यूज़र इन्फॉर्मेशन हम उनको दे रहे हैं। আনহাতে নদীপথরে ধুবুরী পাণ্ডু আর শদিয়াক সংযোজনের পরিকল্পনা করার কথা প্রকাশ করেছে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী বন্দরের অধ্যক্ষ। जो पूरा ईस्ट इंडिया और नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो गेटवे है वो हमारा पोर्ट है फॉर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नाउ जैसा माननीय मंत्री जी का हमारे एक विजन है कि इसको सिर्फ एक सी पोर्ट ना देके जैसा पुराने जमे में होता था कि नदी और सागर का मिलन, रिवर और सी का मिलन, उसको दोनों को साथ में लेके उसके पोटेंशियल को हार्नेस करके कैसे ईस्टर्न रीजन को और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन को के डेवलपमेंट में ये पोर्ट भागीदारी कर सकता है। जो सिराजगंज तक सारे बोट्स जा रहे हैं, जहाज जा रहे हैं 2000-3000 टन लेके, वो सीधा डुबरी पांडू तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पे एक हल्दिया का टर्मिनल बन रहा है, 550 करोड़ रुपये भारत सरकार ने उसके लिए दिया है, जिससे कि वो डेडिकेटेड होगा कार्गो फ्रॉम हल्दिया टू नेशनल वाटरवे टू, दैट इज पांडू डुबरी सदिया इन अ लेटर स्टेज। স্বাভাৱিকতেই কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এনে পদক্ষেপে আশাৰ বতৰা কঢ়িয়াইছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চললৈ। হালদিয়াৰ পৰা কেমেৰা পাৰ্চন ৰূপম ভৰদ্বাজৰ সৈতে পংকজ প্ৰতিম বৰাৰ ৰিপৰ্ট ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰ।